नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, अगला आधा घंटा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। आपके ढेर सारे हम सवाल लेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन हम आज सबसे पहले आपको बता दें कि आप किस नंबर पर फोन कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आज शाम के कारोबार के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए या फिर अगले हफ्ते के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 02-2300-1634। इसके अलावा आप 02-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं। आज एग्री मार्केट में एक बड़ा एक्शन दिखा है और वो एक्शन है ग्वार में। जी हाँ, ग्वार की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और ग्वार सीड का वायदा 3850 के करीब पहुंच चुका है और ग्वारगम का वायदा 5730 के ऊपर बंद हुआ है। 4% की शानदार तेजी आज लंबे समय के बाद ग्वार में दिखी है। इसके पीछे वजह क्या है और क्या ये तेजी अभी आगे और बढ़ सकती है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, एग्री मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, बीकानेर से जुड़ रहे हैं जो कि ग्वार का एक बड़ा बेल्ट है। सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के, और हमारे साथ अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, और प्रथमेश माल्या भी हैं चीफ एनालिस्ट हैं कमोडिटी एंड करेंसी के एंजल ब्रोकिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा पहला सवाल पुखराज जी आपसे होगा कि जिस खबर के दम पे ग्वार में तेजी आई है, वो खबर ये है कि राजस्थान में बारिश कम हुई है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट लंबे समय तक बना रहेगा? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कल मेरी मौसम विभाग से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि आगे राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। जी मृत्युंजय जी, आप ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान में कम बारिश के चलते ही ग्वार में तेजी आई है। आधा सावन लगभग बीतने को है, एक दो दिन में आधा सावन बीत जाएगा, उसके बावजूद भी ग्वार बेल्ट में कहीं भी अच्छी बरसात नहीं है या बिजाई लाइक बरसात नहीं है, इसी वजह से ग्वार के भाव बढ़ेंगे। अब रही फ्यूचर की बात, भविष्य की बात, भविष्य में जैसा मानसून का असर दिखेगा, जैसा मानसून रहेगा वैसे ही ग्वार में घटबट नजर आएगी। कमजोर रहता है तो तेजी नजर आएगी, किसी दिन अच्छी बरसातें गिर जाएगी तो उस दिन मंदा हो जाएगा। अभी डिमांड सप्लाई को तो एकदम इसने पीछे छोड़ दिया है, डिमांड सप्लाई को पीछे छोड़ के आज जो मार्केट बढ़ा है वो ऐसा समझिए लोगों का मन उखड़ गया है कि भाई बरसातें हो नहीं रही है और नजदीक आसार भी नहीं दिख रहे हैं, अभी आसमान में भी कोई आसार नहीं दिख रहा है और 44 डिग्री के आसपास गर्मी चल रही है। तो ऐसे में ये एक तरह की एक हवा बनी है कि भाई यदि मौसम सूखा रह जाता है तो फिर ये बाजार बढ़ जाएगा। जी मृत्युंजय जी, अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बारिश की कमी की वजह से ही ग्वार में तेजी आई है, लेकिन बारिश की कमी को मार्केट इतना देर से क्यों भांप रहा है पुखराज जी? जी मार्केट से वॉच कर रहा था, आप देखिए अभी 5 दिन से भाव स्टेबल पड़े थे, जबकि गम की डिमांड नहीं थी, ग्वार की डिमांड नहीं थी, उसके बावजूद भी भाव स्टेबल पड़े थे। वो इसीलिए स्टेबल पड़े थे कि लोग मौसम का इंतजार कर रहे थे। आज शुक्रवार होने को है और शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है, तो लोग ये सोच के ले जाते हैं कि भी आज शुक्रवार लास्ट डे है, फिर शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है, अगर इन 2 दिनों में भी बरसात नहीं होती है तो फिर सोमवार को बाजार फिर से खड़ा हो जाएगा, यही कारण है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बारिश की कमी ने ग्वार के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। तो अब हमारे साथ सुनंद है जो कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आप एग्री मार्केट के ऊपर। सुनंद, ऐसे में इस फंडामेंटल को देखने के बाद जो बारिश वाले फंडामेंटल हैं ग्वार के लिए, ग्वार में क्या ट्रेड मंडे को लेना ठीक रहेगा? बात अगर ग्वार सीड की करें तो ग्वार में खरीदारी का अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। 3800 के लेवल पे आप अच्छा खरीदारी कर सकते हो, नियर टर्म पे आप 4000 तक आप टारगेट रख सकते हो,
और स्टॉप लॉस अगर आप बिठाना चाहते हो तो 3,700 रुपए। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि मानसून के साथ साथ राजस्थान में करीब 10% सोइंग कमजोर दिखाई दे रही है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स के मुकाबले, तो जिसके वजह से मार्केट में ये भी एक फैक्टर है जो तेजी आ सकता है। और बात अगर हम गुजरात की करें तो मेहसाणा और बनासकांठा रीजन्स में भी ना पिछले साल के कंपैरिजन में भी कई जगह पे थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रहा है सोइंग में, जिसके वजह से मार्केट में ऐसा सपोर्ट मिलेगा। एक और खबर है कि पिछले साल जब बारिश अक्टूबर और नवंबर तक चलता रहा उसकी वजह से काफी क्रॉप डैमेज हुआ था, तो उस वजह से ना मार्केट में इस साल काफी स्टॉक्स कम है। अगर बात करें तो स्टॉक्स करीबन 4.5 से 5.5 लाख टन का ही स्टॉक है और जो पिछले साल था करीबन 8 से 9 लाख टन का स्टॉक था। तो ये दो एक खास वजह है जिसके वजह से मार्केट में ग्वार सीड में तेजी दिख सकती है। और अभी जस्ट रिसेंटली एक और खबर आई थी कि जिससे ग्वार सीड के साथ साथ ग्वार गम में भी तेजी देखने को मिला था, क्योंकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है जो फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो काफी बढ़ गई थी है, खासकर यूरोप, यूएसए और चाइना में करीबन 15% एक्सपोर्ट बढ़ गया था पिछले साल के कंपैरिजन, और लास्ट टू मंथ्स में अच्छा रिकवरी देखने को मिला था जैसे जैसे लॉकडाउन सिचुएशन ईज हो रहा था ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये फैक्टर के वजह से ग्वार सीड में भी तेजी दिखने के साथ साथ ग्वार गम में भी तेजी दिखाई दे रहे, और ग्वार गम तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में मार्केट में 6,000 तक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और अगर कोई ट्रेडिंग थोड़ा लंबा करना चाहता है 15 दिनों तक तो 6,400 तक हम देख सकते हैं आगे ग्वार गम में, और ग्वार सीड में 15 दिनों के अंदर 4,150 ये एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है मुझे ट्रेडिंग के लिए, अच्छा खरीदारी का मौका दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही बढ़िया एनालिसिस सुनंद ने किया है ग्वार में कि आगे क्या होगा। लेकिन पुखराज जी, जो बात अभी सुनंद बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड की इंक्वायरी भी आ रही है, तो स्पॉट मार्केट में कोई इंपैक्ट दिख रहा है इसका क्या? हाजिर बाजार में कुछ हलचल दिख रही है इस खबर का क्या? जी मतलब जैसे हाजिर बाजार में कोई हलचल नहीं है। अभी जैसे कोई बता रहे थे कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है और टेक्सटाइल में, फूड में, तो दरअसल जी ये क्रूड में तो अभी जा ही नहीं रहा है, सेल गैस में जा ही नहीं रहा, ये तो फूड ग्रेड का ही जा रहा है कम। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई में कोई गड़बड़ हुई। अच्छा। है डिमांड सप्लाई में कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक, और पीछे जो लॉकडाउन रहा था, अच्छा पोजीशन वो की वो है। अच्छा। अभी भी 95% इंडस्ट्री बंद है ग्वार की, उस पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा। ये जो तेजी बनी है ये मानसून की है, और हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो मानसून सीजन है उसके अंदर ग्वार का वायदा नहीं है, ये मानसून का वायदा है। जी मृत्युंजय जी। अच्छा, चलिए पुखराज जी आप जुड़े हैं तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीकानेर की जो आपकी मंडी है वो ग्वार की अच्छी मंडी मानी जाती है, एक बड़ी मंडी मानी जाती है, तो अभी क्या हाल है मंडियों में? क्या मंडियों में अभी कामकाज ठीक तरीके से हो पा रहा है? कोरोना को लेकर के मंडी में क्या हालात हैं? क्या कामकाज में कुछ कमी आई है? क्या सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे भी आपकी मंडी में? ग्राउंड की मैं आप जा रहे हैं मंडी नहीं जा रहे हैं? जी हाँ मैं मंडी नहीं जा रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे लोग मंडी नहीं जा रहे हैं, मंडी खुल रही है। देखिए दो तीन कारण हो गए इसके। एक तो यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है बहुत जोरों से, तो इस करके भी लोग नहीं जा रहे हैं, गाँव के किसान भी कम आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया था कि मंडी के बाहर जो भी परचेज करेगा उसको मंडी टैक्स और कृषि कल्याण टैक्स नहीं देना होगा, उसके लिए फ्री है, तो इस कंफ्यूज की वजह से भी मंडियों के अंदर काम कम हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है कि आप कैसे ट्रेड करें। तो ये सारे कोरोना और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मंडियों से बाहर खरीद करने की छूट, इन सबको मिला के जो है वो मंडियों का कारोबार सुस्त है और मंडियों में व्यापार बिल्कुल कम है। जी चलिए ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको ग्वार के ऊपर सटीक रिपोर्ट मंडियों से और टेक्निकल एनालिसिस क्या, ये दोनों हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका और सुनंद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ग्वार का मार्केट आगे क्या परफॉर्मेंस देगा, किस तरह का ट्रेड इसमें करना चाहिए। तो तेजी की बात अभी आप कर रहे हैं क्योंकि बारिश वहां पर कम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में शाम के कारोबार के लिए आपको क्या करना है। हमारे साथ अजय केडिया हैं और प्रथमेश मालिया हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रथमेश, क्या किया जाए गोल्ड में आज शाम के लिए, क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या गोल्ड अभी खरीदना ठीक है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे ख्याल से गोल्ड फॉरएवर ग्रीन है 2020 के लिए, तो बाइंग में मोमेंटम जो है जारी रहेगा। 48,550 48,700 के आसपास इसको बाई करना चाहिए,
48,550 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 49,400 के टारगेट रहेंगे। मेरे ख्याल से बाय में रहेंगे तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाय करके चलेंगे तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी गोल्ड में, इस पर आप नजर रखें। आपका व्यू अजय जी सिल्वर के ऊपर क्या है, क्योंकि आज अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में इस वक्त मार्केट में जो हाल है वो ये है कि चांदी में बहुत ज्यादा हमने एक एक्शन का माहौल जो हाल के दिनों में देखा था वो एक्शन अब कम हुआ है, तो चांदी पर आपका क्या व्यू है? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम देखें तो चांदी जस्ट वेट कर रही है $20 का मार्क तोड़ने में। अगर $20 तोड़ती तो और बड़ी तेजी आएगी, बट पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि चांदी 53,500 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी देखें तो 96 से वापस सपोर्ट लेकर डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में डेटा पॉइंट फिर से अच्छे आते हुए दिखाई दिए। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म अपनी जगह पे है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर में एक प्रॉफिट बुकिंग है, जिस दिन से हमने कल शाम के सेशन में देखा था। तो आज के लिए हमें लगता है कि प्राइजेस को 52,600 की रेंज में आते हैं बेचिए। डाउनसाइड में 51,800 तक का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। हो सकता है अगले 2 सेशन फ्राइडे है मंडे है थोड़ा बहुत साइडवे टू नेगेटिव रहे, बट ओवरऑल नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फिर से तेजी चालू हो जाएगी, बट आज एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है मार्केट में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है सुल्तान का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए सुल्तान जी। बोल सीधा जी से है, उन्होंने बात हुई थी मेरी तो उन्होंने बताया था कि 2700-2800 रुपए कपास खली हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर तक। अभी तो वैसे उल्टा हो रहा है, पर क्या लग रहा है अभी उनका व्यू क्या है, कुछ चेंज हुआ है या क्या टारगेट लगता है अभी उन्हें बताइए। अजय जी कुछ व्यू आपका चेंज हुआ है कपास खली में? आपने आगे तेजी की बात कही थी पहले, लेकिन दाम गिर गए हैं, तो कुछ व्यू चेंज हुआ है आपका या वही व्यू है अभी भी? बिल्कुल मित्र जी, मेरा व्यू वही है जब मैंने बताया था, जब 2200 का भाव था मैंने ये भी बताया था कि 2250 के ऊपर प्राइजेस जा नहीं पा रहे हैं और जुलाई फर्स्ट वीक तक मार्केट स्टेबल रहेगा, उसके बाद एक भारी गिरावट देखने मिल सकती है जो नीचे में 1800 से 1850 तक का भी बेस बनता हुआ दिखाई देगा। और आज 17 जुलाई है, फर्स्ट वीक जाने के बाद हमने बड़ी गिरावट आना चालू हो चुका है। पिछला वायदा भी हमने 1880 के लो पे जाते हुए देखा, आज की क्लोजिंग 1920 के करीब है। अभी भी मार्केट में करीबन 100 पॉइंट की और गिरावट है, तो जो मैंने पहले व्यू दिया था उसी पे मैं कायम हूँ। नीचे में आपको 1800 से 1850 का जुलाई के अंदर ही लो बनता हुआ दिखेगा और एक बेस क्रिएट हो जाएगा। और जो मैंने तेजी की बात की है वो सितंबर की बात की है कि अगस्त एंड के बाद मार्केट में एक अच्छी तेजी मिलेगी, जो सितंबर मिड या सितंबर एंड तक आपको फिर से 2700 से 2800 का लेवल मिल जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में स्विंग अच्छी है जिसका प्रेशर बना है, बट यूएसडी की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि ग्लोबल मार्केट में कॉटन की इस बार स्विंग में थोड़ा सा ड्रॉप दिखा रहा है। साथ में इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि कॉटन 60 सेंट के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है, जो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि 68 से 70 सेंट तक दिखा देगा। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में जरूर गिरावट है जो अगले 10-15 दिन रह सकती है स्टेबिलिटी के साथ। 1800 का लेवल मैक्सिमम डाउनसाइड दिखा रहा है, बट 2700 का जो लेवल मैंने बताया वो सितंबर तक आपको बिल्कुल दिखा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर को मैंने 490 में 10 लॉट बेचे थे, अब 500 के करीब हो गया, 500 से ऊपर हो रहा है, तो क्या एवरेज करना चाहिए क्या यहाँ और शॉर्ट करना चाहिए क्या बताने का कष्ट करें बताइए। प्रथमेश जी 490 पर इन्होंने सेल किया है कॉपर, भाव ऊपर आ गए हैं, तो इनके लिए क्या सुझाव है आपका? मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे और सेल करना चाहिए, मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जोन पे है, पॉसिबल करेक्शन यहाँ पे हो सकता है और डिमांड सप्लाई फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर राइस को। मेरे ख्याल से इनको यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए, इनका स्टॉप रहेगा 504 का। ठीक है, राजेश पटेल हैं अहमदाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूछिए पटेल साहब। सर कॉपर में मेरे को क्या करना चाहिए, 504 पे मैंने सेल किया हुआ है। 504 पे आपने सेल किया है, ओके। अजय जी आप बताइए आपके हिसाब से क्या किया जाए, 504 पे इन्होंने बेचा है, हालांकि अभी तो ये फायदे में है, लेकिन क्या इनको वेट करें, 500 के नीचे भाव आएगा या बहुत गिरावट की गुंजाइश नहीं है, निकल जाए? देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर में अभी भी जिस ढंग से कोविड की केसेस हमने चिली माइन में देखा था उसके बाद काफी अच्छी रैली की, वो रैली अभी भी बाकी है।
प्राइजेस में जो एकाएक बड़ी रैली आई थी उसके बाद एक एडजस्टमेंट है, और दो दिन पहले हमने न्यूज देखा कि एक कॉपर माइंस के अंदर जो अनरेस्ट चल रहा था लेबर डिस्प्यूट्स को लेकर वो रिजॉल्व हुआ है, जिसके चलते हमने बुधवार को एक भारी गिरावट आती हुई देखी। अनलेस एंड अंटिल 490 का लेवल नहीं तोड़ता है, प्रोबेबिलिटी है फिर से अपसाइड में 512 से लेकर 535 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। बट जो हमने शुक्रवार की गिरावट देखी वो आज भी कैरी इन है, तो 503 जैसे इनका कॉस्ट है 504 पे है, तो आई थिंक इनको कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म में गिरावट है जो 494-493 तक का एक बार लेवल दिखा सकता है आज और सोमवार के बीच में, यहाँ पे आप एक बार निकल जाइए। अगर 490 तोड़ता है तो गिरावट रहेगी, नहीं तो प्राइजेस में फिर से तेजी आ जाएगी। ठीक है, और अगला सवाल है पूजा का, रायपुर से जुड़ रही है हमारे साथ, पूछिए पूजा जी। मेरा सवाल सोने पे है, मैंने 40,500 में लेके 47,500 में बेच दिया 200 ग्राम, तो 45,000 तक का रेट आ सकता है क्या हफ्ता 10 दिन में, यदि कोरोना की वैक्सीन आती है तो? बताइए प्रथमेश जी। नीचे गिरना 45,000 तक मुश्किल लगता है। ठीक है प्रथमेश जी बताइए। हाँ सॉरी, नीचे गिरना मुश्किल दिखता है 45,000 तक, मोमेंटम जो है पॉजिटिव है इसमें अभी भी, यहाँ से करीब और $50 का मूव जो रुपी टर्म्स में अराउंड 400-500 रुपीज का मूव नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल दिख सकता है इसमें, मेरे ख्याल से सेल में नहीं रहना चाहिए इनको। ठीक है, राहुल हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से, पूछिए राहुल। सर जी नमस्कार, आपके चैनल पे एक्सपर्ट सब लोग बोलते हैं कोई सेल में नहीं रहना चाहिए, बाइंग में ही रहना चाहिए, और मैं हमेशा बाइंग में ही रहता हूँ, और मुझे अभी बाइंग करना है तो केड़िया सर से पूछना है किस लेवल पे बाइंग करूं और वो लेवल आज आने की संभावना है क्या? क्या बाइंग करना चाहते हैं आप? गोल्ड गोल्ड। अच्छा गोल्ड, बताइए केड़िया जी। देखिए गोल्ड में अगर पूरे पिछले एक हफ्ते की बात करें तो $1820 इंटरनेशनल में नहीं तोड़ पा रहा है, ना ही डोमेस्टिक मार्केट में 49,300 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, तो सबसे पहले आगे हम भी तेजी देख रहे हैं जो $1920 से $2000 का भी लेवल ईयर एंड तक दिखा देगा, बट उसके लिए हमें 1820-1825 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, उसके लिए कोई स्ट्रांग न्यूज़ चाहिए। कोविड के अलावा या यूएस चाइना के अलावा कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट करे, टेक्निकली ऑलरेडी मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट कर चुका है। कमिंग ऑन के नीचे कहाँ पे हमको मिल सकता है, तो ज्यादा बड़ी मंदी मैं भी नहीं देख रहा हूँ, नीचे में 47,500 तक का लेवल ही मुझे लग रहा है कि एक करेक्टिव ड्रॉप रहेगा, उस लेवल पे आप बिल्कुल बाय कीजिए। जो अपसाइड में अगर हम अगले 3-4 महीने की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी है फिर से हम 53,000 तक का लेवल गोल्ड को डोमेस्टिक मार्केट में, जबकि इंटरनेशनल में जो पिछला हाई है 1920 वो लेवल तोड़ते हुए देख पाएंगे। ठीक है ओके, तो इस पर आप नजर रखिए कि आपको अभी इसमें करना क्या है। चांदी का मार्केट आज शाम के लिए, बिल्कुल अगले 6 घंटे के लिए, प्रथमेश माल्या जी आपको कैसा लग रहा है? मित्र जी मेरे ख्याल से इसको बाय करना चाहिए 52,200 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 51,700 और ऊपर में टारगेट रहना चाहिए 53,100। मेरे ख्याल से सिल्वर में मोमेंटम जो है अभी भी पॉसिबल है। ओके ठीक है, अगला सवाल कुणाल का है लुधियाना से, पूछिए कुणाल जी। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर जी, पूछे सर। मेरा सवाल है नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस से है कि मैंने 31 से बाय किया हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या 2 महीने तक 150 रुपए आ सकता है? 150 रुपए तक लॉन्ग टर्म में आ सकता है क्या अजय जी नेचुरल गैस? बिल्कुल मित्रंजय, जब यह 120-122 का भाव था तब भी हमने कहा कि जो प्रोड्यूसर है अब बैंकरप्सी की तरफ फाइल हो रहे हैं, उसके बाद ही हमने 110 का जो लो पिछले एक्सपायरी पे देखा और एकाएक वहां से प्राइजेस 140 का लेवल भी टच कर गया, लेकिन मुझे लगता है 2 महीने की जगह पे इनको थोड़ा सा लंबा वेट करना पड़ेगा। 150 तो मुझे लगता है कि आपको अगस्त मिड तक मिल जाएगा, बट ओवरऑल दिसंबर एंड तक की बात करें तो ये 200 का भी लेवल क्रॉस कर जाएगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है वॉलिटिटी ज्यादा रहेगा अगले 15-20 दिन और, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखिए और संभल के ट्रेड कीजिए। एज ऑफ नाउ आज की ट्रेड सेटिंग की बात करें तो 128 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है जो 131 तक दिखा देगा। ठीक है, दीपक है, अगला सवाल दीपक का है, पूछिए दीपक। सर ग्वार 5,000 का भाव हो सकता है जी?
ग्वार 5,000 का भाव, इनफैक्ट हमने ग्वार पे भी लंबी बातचीत की है। अजय जी बताइए, 5,000 का लेवल दिख सकता है क्या? नितिन जी अभी भी मैं जैसे पहले भी बताया था कि जुलाई फर्स्ट वीक तक हम सोइंग की जैसे एक्टिविटी आएगी, उसके बाद मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो अब पहला पड़ाव चालू हुआ है वो है मोमेंटम का। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जो इमीडिएट रेजिस्टेंट रहेगा वो 3,950 से 4,000 का रहेगा। 5,000 का लेवल अभी बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ऊपर में जिस ढंग से मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है तो 4,450 से 4,500 का लेवल हम अक्टूबर मिड या अक्टूबर एंड तक टेंटेटिवली देख पाएंगे। बट अगले 10 दिन और इम्पॉर्टेंट है, मानसून फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला पड़ाव हम 4,000 का देखेंगे, फिर करीबन 40-50 तक का लेवल एक बार प्रीव्यू में लेके चलते हैं। ठीक है, गोपाल है, अगला सवाल गोपाल का है, पूछिए गोपाल। सर इंट्राडे में सिल्वर और गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में सिल्वर और गोल्ड में, हालांकि इसकी बात हो गई है लेकिन चलिए फिर भी आपको बताते हैं एक बार फिर से। प्रथमेश जी बताइए, आज के लिए गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस पर क्या करें? मेरे ख्याल से इनको 4,700 के आसपास बाय करना चाहिए, करीब 7,750 के बीच में। इनका स्टॉप रहेगा 48,550 का, इनका टारगेट रहेगा 49,400 का। वैसे ही सिल्वर में बाय करना चाहिए सेप्टेम्बर वायदा 52,200 के आसपास, 51,700 का स्टॉप रहेगा और ऊपर में टारगेट में 53,100 रहेंगे। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मित्र मुझे लगता है सोने में जिस ढंग से कल रिजेक्शन आया, 49,100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, टाइमिंग मुझे लगता है गोल्ड को बेचना चाहिए 48,900 पे। 49,200 का स्टॉप लॉस रहेगा, डाउन साइड में मुझे लगता है 48,600 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। आपकी कॉल जुलाई बाय करना चाहिए 3,020 के आसपास, 2,960 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 3,200 के रहेंगे। आपकी आखिरी कॉल। मैं मुझे लगता है कॉपर में कल हमने जो अपडेट आई उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवरी आया जो चाइना से डेटा पॉइंट था, 500 का लेवल ब्रिज करने पे बेच के चलिए। 503 का इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, जो नीचे मैं आपको 496 से लेकर 494 तक के लेवल दिखा देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।